बीकॉम ऑनर्स का पेपर रद्द होने के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई ने विरोध किया। एक ओर जहां एबीवीपी छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जाने की कोशिश की, इसको लेकर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। इसमें पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया। वहीं एनएसयूआई के छात्र भी प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंच गए और परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग की। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा फॉर्म भरवाने के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूलता है और फिर पेपर रद्द कर देता है। ऐसे में छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान दोनों संगठनों ने एडम ब्लॉक के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। देखिए, विरोध कुछ दिनों से लगातार ही चलते आ रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए स्टूडेंटों पर अनेकों प्रकार के, एक बात करें तो परीक्षाओं का और बोझ थोप रहा है, उसी प्रकार से किसी एकेडमिक सेशन की बात करते हैं कि उसको टाइम से शुरू करने की, हर चीज़ में जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी लेट लपेटी करती जा रही है उसको लेकर हमने आज यहाँ विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। ₹2 का नुकसान ये तानाशाही भी इन छात्रों पर ही डालेंगे किसी न किसी तरीके। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, इसी भ्रष्टाचारी विषय को हटाकर कोई एक ईमानदार विषय